बैंक ऑफ बड़ौदा समेत बंद होने वाले हैं ये सरकारी बैंक। कहीं आपका भी खाता तो नहीं है ना, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। बड़ा फैसला आ रहा है मोदी सरकार की तरफ से। पिछले कुछ समय से लगातार घाटे में चल रहे हैं कुछ बैंकों को लेकर सरकार पर काफी वित्तीय दबाव बन रहा था, जिसके बाद मोदी सरकार ने प्रस्ताव जारी किया जिसके तहत देश में चार बड़े बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, IDBI बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अब बंद किए जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इन बैंकों में कुल मिलाकर करीब 21,646,000 करोड़ रुपए का वित्तीय वर्ष घाटा हुआ है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इन सभी चारों बैंकों को मर्ज करने की तैयारी कर रही है, यानी कि इन सभी बैंकों में आपस में मिलकर एक बैंक बना देना है। और आपको बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो देश की सबसे बड़ी बैंकिंग इकाई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के बाद कुल 16,00,000 करोड़ रुपए का एक्ट वाला एक बैंक का दूसरा बैंक भारत का बन जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार बताया जा रहा है कि ऐसा हो जाने से बैंकिंग की स्थिति में काफी सुधार आएगी और इसके साथ कमजोर बैंकों के वित्तीय हालात में सुधार आएगी। तो दोस्तों आज का न्यूज यही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जय हिंद दोस्तों।